वेलकम टू द सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरिडोफाइट्स। चलो बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट। बच्चा लोग, स्टार्ट करने से पहले वेदांतु आपके लिए लेके आ रहा है टर्म वन क्रैश कोर्स। यस बच्चा लोग, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो टर्म वन क्रैश कोर्स जो जल्दी आने वाला है आपका टर्म वन, उसके लिए बच्चा लोग वेदांतु क्रैश कोर्स लेके आया है। और ये वेदांतु का जो टर्म वन का क्रैश कोर्स है बच्चा, इसमें पूरा टर्म वन का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ कवर होगा। आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी होंगे और टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल होगा आपको। व्हाट आर यू सपोज टू डू? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए लिंक पे क्लिक कर लीजिए और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको दो चीज दिख रही है बच्चा, एक है वेदांतु प्रो लाइट और एक है वेदांतु प्रो क्लासिक। अगर आप प्रो लाइट देखते हो, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप नहीं मिलेगा। बट बच्चा, हम क्यों देखें वेदांतु प्रो लाइट? क्योंकि वेदांतु प्रो क्लासिक एंड वेदांतु प्रो लाइट दोनों भी आपको सेम फीस में मिल रहा है, दैट इज 2700। सोचो बच्चा, इट इज नॉट वन मंथ कोर्स, इट इज द कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड टर्म वन सिलेबस। ठीक है, पूरा टर्म वन का सिलेबस, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी जो टर्म वन में आने वाला है, वो पूरा पूरा आपको पढ़ाया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 2700 ओनली। दैट्स इट बच्चा लोग, इसका जो आपको कोर्स दिख रहा है यहाँ पर, उस कोर्स की फीस 2700। अगर आपको चाहिए तो आपको कूपन कोड क्या यूज करना है? BMN Pro, दैट इज व्हाट इज योर कूपन कोड बच्चा लोग। और इसी के साथ बच्चा लोग ये भी देख लो, वेदांतु प्रो लाइट, वेदांतु प्रो क्लासिक, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप पे मिलेगा, दोनों की फीस सेम है। सो ऑलवेज सिलेक्ट क्लासिक, वाई टू सिलेक्ट लाइट, है ना? जब आपको ज्यादा मिल रहा है तो क्यों आप लाइट सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट क्या करोगे? क्लासिक। कूपन कोड मैंने आपको पहले भी बता दिया बच्चा, इट इज BMN Pro। ठीक है, चलो आ जाते हैं टेरिडोफाइटा के साथ। और हमने क्या देखा बच्चा, इफ यू कंसिडर टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा इज ब्रोकन डाउन एस है। देखो अभी ये हमारे पास है टेरिडोफाइटा, जैसे आपको दिख रहा है पूरा 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 फेदर जैसे लीव्स है। ठीक है, एकदम मस्त फेदर जैसे लीव्स थे, आपने देखा अभी अभी। तो टेरिडोफाइटा जो रहेगा बच्चा, इसमें से जो वर्ड होता है टेरॉन, टेरॉन का मतलब होता है फेदर। ठीक है, और फाइटा, फाइटा का मतलब प्लांट। सो एक ऐसा प्लांट जो फेदर जैसे दिखे, जो पंख जैसा दिख जाए, दैट इज व्हाट इज टेरिडोफाइटा। सिंपल। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को हमने क्या बोल दिया? टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि अगर टेरिडोफाइटा है तो इसके बारे में क्या खासियत है? खासियत यह है कि इट इज द फर्स्ट प्लांट टू बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ विथ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। टेरिडोफाइटा से पहले दुनिया में एल्गी आया, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट। ब्रायोफाइट आया तो रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। बट द मोमेंट आई से कि भाई टेरिडोफाइट आ गया, ओरिजिनल ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट एनाटॉमिकली, मतलब एनाटॉमी अगर आप देखोगे तो रूट स्टेम लीफ वाली एनाटॉमी दिखेगी। नेक्स्ट, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसा प्लांट जो पहली बार सही है रूट स्टेम लीफ के साथ है और वो जमीन पे ग्रो हो सकता है, ऐसा सबसे पहला प्लांट इज टेरिडोफाइट। नेक्स्ट, पहला प्लांट जिसमें क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ट्रकियोफाइट है, इट इज द फर्स्ट ट्रकियोफाइट ऑन दिस अर्थ। और नेक्स्ट, जाइलम के नाम पे क्या प्रेजेंट था? ट्रकीड्स। और फ्लोएम के नाम पे सीव सेल। जाइलम में ट्रकीड्स प्रेजेंट है, फ्लोएम में सीव सेल्स प्रेजेंट है, और इसीलिए हमने बोल दिया कि ये वैस्क्यूलर प्लांट है, इकलौता क्रिप्टोगैम है जो वैस्क्यूलर है। क्रिप्टोगैम में एल्गी आएगा नॉन वैस्क्यूलर, ब्रायोफाइट आएगा नॉन वैस्क्यूलर, टेरिडोफाइट आएगा वैस्क्यूलर। टेरिडोफाइट इज द ओनली वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम प्रेजेंट। नेक्स्ट, लेकिन एक खामी थी टेरिडोफाइट में, क्या? वो ट्री नहीं बन सका, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि केम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है वो एब्सेंट है। तो क्योंकि केम्बियम एब्सेंट है, टेरिडोफाइट कभी भी ट्री फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो, ये टेरिडोफाइट था, इसके ये फेदर लाइक बड़े बड़े से लीव्स, जिसमें दोनों बाजू पे आपको लीफलेट दिखता है, ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। नीचे क्या दिखा? तो हमने बोला नीचे दिखा अंडरग्राउंड स्टेम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम को हमने क्या नाम दे दिया? राइजोम। राइजोम इज द अंडरग्राउंड स्टेम दैट यू सी। नेक्स्ट,
उसी स्टेम से रूट्स निकलते हुए दिखेंगे और उन रूट्स को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एडवेंटिशियस रूट्स. क्या नाम दे दिया, एडवेंटिशियस रूट्स. क्यों? बिकॉज इट कम्स और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइजोम. क्योंकि ये राइजोम से ओरिजिनेट हो रहे, क्योंकि ये स्टेम से ओरिजिनेट हो रहे, वी कॉल इट एज एडवेंटिशियस रूट्स. चलो नेक्स्ट. अगर आप ये दो जो इमेज देख रहे हो बच्चा, ये तो चलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये ओरिजिनल इमेज है ऑफ इक्विसेटम. क्या दिखता है आपको इक्विसेटम में? आपको जमीन से ऊपर, ठीक है, मतलब हवा में एरियल स्टेम दिखेगा. इस एरियल स्टेम के इतने सारे ब्रांचेस दिख जाएंगे और उसपे जो ब्राउन कलर का ये आपको दिख रहा है, ये रिड्यूस्ड लीफ दिखेगा, ठीक है. इसके साथ साथ उसको जमीन के नीचे अंडरग्राउंड भी क्या दिखेगा, स्टेम, जिसको हमने थोड़ी देर पहले नाम दिया था राइजोम. सो इट विल ऑल्सो हैव अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम, जिसमें से एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट होंगे. नेक्स्ट, अब ये लीफ देखो कितने छोटे छोटे चिंटू चिंटू लीफ है, छोटे चिंटू, स्मॉल माइक्रो लीफ फिल. सो माइक्रो फिल्स आर सीन, दैट इज स्मॉल साइज लीव्स आर सीन इन केस ऑफ सेलाजिनेला. उसी टाइम पे अगर आप टेरिडोफाइट या फॉर्न की लीव्स देखोगे तो आपको बड़े बड़े पत्ते दिखेंगे, एकदम लार्ज साइज लीव्स, एंड दे आर नोन एज मैक्रोफिल्स विच इज सीन इन फॉर्न्स टेरेस, ठीक है. तो छोटे लीव सेलाजिनेला माइक्रोफिल, बड़े लीव मैक्रोफिल टेरेस. नेक्स्ट, टेरिडोफाइट अगर पानी में मिलता है देन यू कॉल इट एज एक्वेटिक टेरिडोफाइट, ठीक है, मतलब उसका हैबिटेट पानी था, पानी में ही मिलेगा, पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा, ऐसे एक्वेटिक टेरिडोफाइट हो सकते हैं. दूसरा, ऐसे टेरिडोफाइट जो बहुत कम पानी में ग्रोंगे, एकदम डेजर्ट जैसे एरिड रीजन में ग्रोंगे, दे आर जेरोफाइटिक टेरिडोफाइट. और चौथा, वो टेरिडोफाइट जो किसी और प्लांट पे ऊपर ग्रो जाए, दैट इज नोन एज एपीफाइट. अगर एक्वेटिक था तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आएगा, मार्सीलिया एंड अजोला. इसमें से आपको अजोला याद रखना होगा बच्चा, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. किसके साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, एनाबेना के साथ, ठीक है. तो एनाबेना इनके लीव्स में रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा. जेरोफाइट में कौन आएगा, इक्विसेटम. हमने अभी अभी देखा था रिड्यूस लीफ, ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं, एरियल और अंडरग्राउंड दोनों स्टेम रहता है इनके पास, दैट इज इक्विसेटम. नेक्स्ट, एपीफाइटिक रूट्स, सॉरी एपीफाइटिक हमारे टेरिडोफाइट्स, क्या एग्जांपल आएगा, लाइकोपोडियम, ठीक है. तो लाइकोपोडियम एपीफाइटिक टेरिडोफाइट, इक्विसेटम जेरोफाइटिक टेरिडोफाइट, मार्सीलिया एंड अजोला एक्वेटिक टेरिडोफाइट. इतना क्लियर, क्या क्या पढ़ा बच्चा हमने, टेरिडोफाइट में ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, ये पहले टेरिस्टियल प्लांट्स है, वैस्कुलर सिस्टम रहेगा तो ट्रकियोफाइट है, ये पहले ऐसे प्लांट है जिसमें जाइलम के नाम पे ट्रकीड है, फ्लोएम के नाम पे सीव सेल है, सो इट इज अ फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम. फिर हमने नेक्स्ट ये बोला, टेरिडोफाइटा में ट्री फॉर्मेशन नहीं दिखेगा क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है. टेरिडोफाइटा के लीव्स छोटे हो सकते हैं जैसे सेलाजिनेला में है, बड़े हो सकते हैं जैसे टेरिस में है, और रिड्यूस्ड ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं जैसे इक्विसेटम में है. टेरिडोफाइटा पानी में, जमीन पे, बंजर जमीन मतलब ड्राई एरिया पे, या फिर एपीफाइट किसी और प्लांट पे भी ग्रो हो सकता है. अगर आप ये देखो, ये बच्चा इक्विसेटम है, आपको क्लियरली दिख जाएगा इधर ब्राउन कलर के रिड्यूस लीव्स है ना. और ये देखो, ये बहुत सारी चीज है जो स्पाइरली अरेंज्ड है. What are these spirally arranged structures known as? तो इनको हमने बोल दिया स्पोरोफिल, जो स्पाइरली अरेंज्ड है और एक साथ अरेंज होके क्या बनता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज कोन. तो इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कोन. और वो जो स्पाइरली अरेंज था, गोल 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 गोल, इसको आपने क्या बोल दिया, स्पोरोफिल. यही स्पोरोफिल यहां देखो बच्चा लोग, ये आपको लीव्स पे भी दिख जाएगा. इन लीव्स पे भी आपको, ये लीव्स को हमने बोल दिया स्पोरोफिल, और इसके पीछे ये जो थे ये कौन है, सोराय या फिर स्पोरांजिया. तो टेरिडोफाइट के लीव्स के पीछे के सरफेस पे, ऑन द लोअर सरफेस, आपको स्पोरांजिया दिखेंगे. ऐसे लीव्स जिसके लोअर सरफेस पे स्पोरांजिया है, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल. आई रिपीट बच्चा, ऐसे लीव्स जिनके लोअर सरफेस पे स्पोरांजिया है, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल. जब स्पोरोफिल स्पाइरली कॉइल होगा, ठीक है, मतलब स्पोरोफिल 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 ऐसे करके सब घूमे हैं स्प्रिंग की तरह, तब जाके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा नोन एज कोन या फिर स्ट्रोबिलस, ठीक है. चलो इसी हाई जोश और एनर्जी के साथ बच्चा लोग याद क्या करना है. चलो मैं बता देती हूं आपको,
एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा ये, क्या जितने भी एल्गे हैं और जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सबके सब एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं, दे आर होमोस्पोरस। ऑल एल्गे आर होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं, मेजॉरिटी टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चा। अगर सेलाजिनेला, साल्विनिया या मार्सिलिया, इसको हम याद करते हैं एसएमएस। अगर आप एसएमएस की बात करें, सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया की बात करें, तो ये कैसे होंगे? ये होंगे हेटेरोस्पोरस। क्या बोल दिया हमने? हेटेरोस्पोरस। मतलब दो टाइप के स्पोर बनेंगे, ओके? एक होंगे छोटे स्पोर, माइक्रोस्पोर, एक होंगे बड़े स्पोर जिसको आप मैक्रोस्पोर या फिर मेगा स्पोर बोल सकते हो, ठीक है? माइक्रोस्पोर जो रहेंगे वो मेल होंगे, मेगा स्पोर जो रहेंगे वो फीमेल होंगे। सो जब दो अलग टाइप के स्पोर बन जाए, ऐसे टेरिडोफाइट को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। याद कर लो कौन कौन है वो, सेलाजिनेला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया, ठीक है? चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो, जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, ये प्रीकर्सर है सीड हैबिट के। बच्चा दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। इसको बिल्कुल भी याद भूलना नहीं है, ठीक है? आपको क्या क्या याद रखना है? सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, और इन्हीं की वजह से आगे सीड हैबिट आया। तो जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो आपको सीड हैबिट दिखाते हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। उनके एंसेस्टर्स कौन है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट इज अ डिविजन विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू क्लासेस। कितने क्लास में डिवाइड होता है टेरिडोफाइट? इट इज डिवाइडेड इंटू सिलोप्सिडा, सिलोटम, सेकेंड लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला, थर्ड स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम या फिर हॉर्स टेल, और लास्ट टेरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। अब बच्चा लोग फटाफट याद कर लो, क्या बोला हमने? सिलोप्सिडा, सिलोटम, ठीक है? ये रहा सबसे पहला आएगा सिलोप्सिडा, सिलोटम, दूसरा लाइकोप्सिडा, इसमें आएंगे लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला लाइकोप्सिडा में आएगा। स्फिनोप्सिडा में कौन आएगा? इक्विसेटम, इक्विसेटम आएगा स्फिनोप्सिडा में। और लास्ट टेरोप्सिडा में क्या क्या आएगा? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। क्लियर, सिंपल? ये बहुत अच्छे से याद करोगे बच्चा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये नीट के लिए भी जरूरी है और ये आपके टर्म वन के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं बच्चा। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? चलो इसी के साथ बच्चा लोग हम आगे आते हैं हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे। एनसीईआरटी के टेरिडोफाइट्स में बच्चा ये डायग्राम दिया है हमको, और हमको क्या समझ में आया इसमें? सबसे पहला है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला के छोटे छोटे पत्ते मतलब माइक्रोफिल्स, ठीक है? नेक्स्ट, इसके पास रूट्स है, देखो स्टेम से आ रहे, मतलब ये एडवेंटिशियस रूट्स होंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको स्टेम दिख जाएगा, ओके? नेक्स्ट, फिर हमने बोला ये जो बी है ये कौन है? जिसपे कौन दिखा, स्ट्रॉबिलस दिखा, वो होगा इक्विसेटम। तो ये इक्विसेटम है, एज यू कैन सी हियर, इक्विसेटम पे स्ट्रॉबिलस या फिर कोन मिलेगा आपको, जो स्पाइरली अरेंज स्पोरोफिल से, कॉम्पैक्टली पैक स्पोरोफिल से बना होगा। इसके स्टेम पे बहुत सारे ब्रांचेस होंगे जिसपे नोड और इंटरनोड मिलेंगे आपको, और इसके पास ब्राउन कलर के रिड्यूस लीव्स होंगे। यहां पर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम होगा विच इज नोन एज राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, और इसी स्टेम से जो रूट्स निकलेंगे दे आर एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट, फिर हमारे पास आएगा फर्न जिसमें मैक्रोफिल है, और साल्विनिया जिसमें मैक्रोफिल है। दोनों भी केस में बड़े बड़े पत्ते हैं, मैक्रोफिल मिलेंगे हमको, और ये देखो ये इनके एडवेंटिशियस रूट्स। सिंपल, क्लियर? चलो आ जाते बच्चा लोग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज, अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट की तो आपको क्या क्या याद रखना जरूरी है। तो हमने बोला देख लेते लाइफ साइकिल, ठीक है? टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देख लेते। सबसे पहले जिंदगी शुरू होगी फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोर, ठीक है? अब बच्चा लोग याद रखो, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा,
और जो चीज हैप्लॉयड होती है वो गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से हमने शुरू किया जिसका नाम क्या है, स्पोर। अब ये स्पोर आगे जाके सेल डिविजन करेगा, माइटोसिस करेगा और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनना जरूरी था, तो एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनता है एंड दिस इज नोन एज प्रोथैलस, ठीक है। व्हाट इज प्रोथैलस? रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, सिंपल। इसी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट पे बच्चा आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, सो वी सेड एट सम पॉइंट आपको क्या दिखेगा, कहीं तो आपको दिख जाएगा एंथेरिडियम, ओके, और कहीं पे आपको दिख जाएगा आर्चिगोनियम, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग कलर बता दिया ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। और ये यहां पर, तो ये कौन था, ये था हमारे पास एंथेरिडियम जो होगा मेल गैमेटोफाइट वाला हिस्सा, और ये था हमारे पास आर्चिगोनियम जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला हिस्सा होगा। अगर आप आर्चिगोनियम का शेप देखोगे तो वो फ्लास्क शेप रहेगा। इस पार्ट को हम बोलेंगे नेक सेल्स, इसको हम बोलेंगे वेंटर, और नेक और वेंटर के अंदर होगा फीमेल गैमेट जिसको हम बोलेंगे एग, ठीक है। सो आर्चिगोनियम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। तो ये फ्लास्क शेप था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एंथेरिडियम की बात करें तो एंथेरिडियम गैमेट्स बनाएगा जिसको हमने नाम दे दिया स्पर्म सेल्स या फिर एंथेरोजॉइड। तो आप उसको एंथेरोजॉइड बोलो तो भी चलेगा, स्पर्म सेल बोलो तो भी चलेगा। फिर क्या होगा, फिर हमने बोला होगी ये बात कि विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वाटर, ये पानी के मदद से स्विम करके अंदर जाएगा और फिर इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को आप दूसरा नाम क्या दे सकते थे, सिंगैमी। सिंगैमी होने की वजह से अब क्या होगा, अब आपका प्रोथैलस तो एज इट इज रह जाएगा, इसी प्रोथैलस के आर्चिगोनियम में जो यहां पर था क्या दिखेगा, नेक वेंटर, लेकिन अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एग सेल व्हाट इज प्रेजेंट इज जाइगोट। क्या बना है, जाइगोट। अब आगे क्या होगा, तो हमने बोला देखते हैं आगे क्या होगा। जाइगोट आगे जाके माइटोसिस करेगा और बहुत सारा ग्रोथ बनाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ बना दिया। ये देखो क्या हो रहा है, ये था आपके पास प्रोथैलस, प्रोथैलस पे ये था आपके पास आर्चिगोनियम, ठीक है। इसी आर्चिगोनियम पे बच्चा लोग क्या आना शुरू करेगा, देखो नीचे के जगह पे, अच्छा है वाइट नहीं यूज कर सकते ना हम, ठीक है। ये देखो नीचे के जगह पे आएंगे एडवेंटिशियस रूट्स, फिर ऊपर आने लगेगा स्टेम, और इसी स्टेम पे आने लगेंगे हरे भरे से पत्ते, ठीक है। सो धीरे 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 क्या बनना शुरू हो जाएगा, तो हमने बोला देखो स्टेम बनेगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स बनेंगे और नीचे एडवेंटिशियस रूट्स बनेगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था रूट स्टेम और लीव्स वाला, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो जाइगोट एक पहला डिप्लॉइड सेल था, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, और ये आगे जाके माइटोसिस करेगा और पूरा पूरा स्पोरोफाइट बनाएगा, सिंपल एज दैट। फिर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अगर आप इसमें से किसी भी लीफ के लोअर सरफेस को देखोगे, पीछे वाला सरफेस, ओके, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, तो आपको वहां पे क्या दिखेंगे, बहुत सारे ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं स्पोरांजिया। इसी स्पोरांजिया में मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे और कहानी रिपीट होती है, सिंपल। दैट इज हाउ टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल विल मूव ऑन। अब बच्चा लोग इसी को आपने यहां पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देख लिया, ठीक है, देखो क्या जाता है यहां पर, ठीक है।
तो शुरू कहां से करेंगे? शुरू स्पोर से करेंगे. सी हियर, दिस इज स्पोर. स्पोर जर्मिनेट होगा. ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ, आप देख लो. स्पोर जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट होने के बाद यंग गैमेटोफाइट बनेगा. यंग गैमेटोफाइट जो था, जिसको हमने नाम दिया था प्रोथैलस. प्रोथैलस में मेल फीमेल दोनों होंगे, तो ये आपका फ्लास्क शेप फीमेल होगा. ठीक है, और यहां पर आपके पास मेल होगा. मेल एंथ्रीडियम ने एंथेरोजॉइड या स्पर्म सेल बना दिया. फीमेल के पास एग था. फर्टिलाइजेशन होगा एंड क्या बनेगा? जायगोट. फिर जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो को नीचे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फुट आने लगेगा. फिर धीरे 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 देखो रूट आ गया, लीफ आ गया, और फिर अल्टीमेटली पूरा पूरा प्लांट आएगा. रूट, स्टेम, लीफ सबके साथ. लीफ के पीछे वाले सरफेस पे सोराय होंगे. सोराय के पास क्या रहेगा? स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस, और क्या बनाएंगे? स्पोर. फिर ये स्पोर हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे. सिंपल. चलो आ जाती हूँ मैं वापस. बच्चा लोग क्या याद रखोगे इसमें से? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट होगा, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ मिलेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसके पास लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और वो डोमिनेंट भी होगा क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है. क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है. रूट, स्टेम, लीफ इज द मेन प्लांट बॉडी. ओके, अच्छा ये प्लांट का थोड़ा सा स्पेलिंग. ओके सॉरी. मेन प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट क्योंकि लीव्स है जो ग्रीन कलर के है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, और स्पोरोफाइट कंपल्सरीली डिप्लॉयड होगा. अभी नेक्स्ट, अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूं तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? जिसको हमने प्रोथैलस बोला था, जो रिड्यूस स्टेज में था, गैमेटोफाइट विल बी इंडिपेंडेंट क्योंकि वो खुद भी ग्रीन कलर का है. ओके, द प्रोथैलस इज ग्रीन इन कलर. और नेक्स्ट, गैमेटोफाइट कैसा होगा? रिसेसिव, क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है. सिंपल. चलो बच्चा लोग, इसी के साथ आपको मैं फिर बता दूं, अगर आपको ये सेशन समझ में आता है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांत नीट मेड इजी. बच्चा लोग, ऐसे ही बहुत अच्छे से, शिद्दत से, मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं इन वेदांतु प्रो क्लासेस. बच्चा लोग, जहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस रहेगा, वन टू वन इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ, प्लस डाउट सॉल्विंग होगा, प्लस असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्लस रेगुलर टेस्ट होंगे. टेस्ट आपके जो होंगे उनका आपको लिटरली पूरा पूरा एनालिसिस रिपोर्ट आएगा. ये सब कुछ आपको मिल रहा है. वन मंथ के लिए ट्राई करके देखो बच्चा. 11th स्टैंडर्ड का अगर आप प्रो बैच लेते हो तो आपका वन मंथ का फीस जाता है 3,400. बट अगर आप BMN प्रो कूपन कोड यूज करते हो, आई रिपीट, अगर आप BMN प्रो कूपन कोड यूज करते हो तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 3,060 rupees. नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आप ड्रॉपर हो, नीट फोकस्ड हो और आपको 2022 नीट देना है, तो आपको सारी वही फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन ऑल इंडिया रैंक वाले टीचर्स आपको पढ़ा रहे. वो टीचर्स जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1, 5, 3, 7, 9 ये बनाए हैं, वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. इसकी वन मंथ की फीस होगी 4,200 rupees बच्चा. लेकिन अगर आप BMN प्रो कूपन कोड यूज करते हो तो इसकी फीस कितनी हो जाएगी? 3,600. सिंपल. तो बच्चा लोग, इसी के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेते हो, नॉट वन मंथ, पूरे साल का बैच लेते हो, तो आपको वी प्रॉमिस मिलता है, दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जिसके मुताबिक अगर आपने लॉन्ग टर्म कोर्स लेने के बाद 75% अटेंडेंस दिया है फॉर लेक्चर्स एज वेल एज असाइनमेंट्स, तो हमारी प्रॉमिस है कि आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा. इट कैन बी इंप्रूव, दैट्स इट. ओके, अगर आपकी इंप्रूवमेंट को मेजर कर सकते हो तो डेफिनेटली इंप्रूव भी कर सकते हो. ठीक है, तो बच्चा लोग, अगर आपने 75% अटेंडेंस दिया है सेशंस में, अगर आपने 75% टेस्ट दिए हैं, तो आपकी इंप्रूवमेंट गारंटीड है. अगर फिर भी अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है, तो आपकी पूरी कोर्स फी आपको वापस दी जाएगी. इट विल बी पेड टू वट एवर यू हैव पेड, एवरीथिंग विल बी रिटर्न बैक टू यू विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड. तो बच्चा लोग, इसी भरोसे के साथ, इसी के साथ हम फिर कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी. बाय बच्चा लोग.